What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 9th मार्च 2020 मंडे है, सुबह के 8:31 हो रहे हैं। कल छुट्टी है और उसके बाद वेनसडे को मार्केट्स खुलेंगे। लास्ट वीक फ्राइडे को हमने देखा 300+ पॉइंट की गिरावट निफ्टी इंडेक्स में शुरुआती ही मार्केट आर्स में हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर जो फ्राइडे का हमने एनालिसिस किया था, ये जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था उसके बाद फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, उसके कई गुना नीचे यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ था। इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मार्केट, मार्केट में दबाव हो सकता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, लेकिन 300 पॉइंट्स की गिरावट के साथ ओपन होगा ये इतना ज़्यादा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बाद में पूरे दिन भर रिकवर होने की कोशिश करता रहा। तो फ्राइडे का जो हमारा एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन ये जो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल मूव दिखा रहा है, कोरोना वायरस के वजह से हर एक दिन नए पेशेंट्स मिलने की खबरें आ रही है, तो उससे मार्केट में ज़बरदस्त टेंशन्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर धीरे धीरे एक एक बिजनेस के ऊपर गिरते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और जो येस बैंक का केस था, उसका जब आरबीआई ने यहाँ पर लिमिट लगा दी कि 50,000 रुपीज़ ही आप निकाल सकते हैं, तो और यहाँ से टेंशन्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन ये जो एनपीए क्रिएट हो रहा है बैंक्स के ऊपर, और इसका अभी ये एक एक केसेस बाहर निकल रहा है, तो ये एक एंगल से देखे तो काफ़ी अच्छी बात है। जैसे ही एनपीएस बढ़ रहा है, बैंक की जो हालत है वो सही तरीके से बाहर आ रही है, तो उसे सही वक्त पे ही एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो और फ्यूचर में जाके इसके काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल जो मार्केट में डर है, क्या ये 2008 जैसा फॉल है, क्या यहाँ पर और निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है? तो 2008 में जब गिरावट आई थी, ज़बरदस्त मार्केट में स्लो डाउन था, तभी चार्ट पैटर्न कैसा था वो देखना ज़रूरी है, और उसका कंपैरिजन अभी के हालात के साथ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मंथली चार्ट का निफ्टी इंडेक्स का ये चार्ट है, मंथली चार्ट। तो ये 2008 का ये फॉल है, ये 2008 का फॉल है, और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी 2020 का ये हालत है। तो 2008 में जब ये फॉल आया था, स्लो डाउन था मार्केट इकोनॉमी में, पूरा दुनिया भर के इकोनॉमी में काफ़ी स्लो डाउन आया था, तभी यहाँ से 2008 में फर्स्ट तो ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है, इसको ब्रेक करने के बाद ये 50 EMA के पास आता है, और इसको भी ब्रेक करने के बाद 100 EMA तक आता है। तो अभी फ़िलहाल अगर यहाँ पर हम देखें तो इसने 20 EMA को अभी ब्रेक किया है, हालाँकि ये मंथ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मंथ में अभी सिर्फ 1 वीक हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने इसको ब्रेक करके और नीचे की तरफ ही आ रहा है। अगर ये नीचे की तरफ आके क्लोज होता है तो चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ से हमें और निफ्टी इंडेक्स जो ये 50 EMA का ब्लू लाइन है यहाँ तक आते हुए दिखाई दे सकता है, जो कि अभी 10,300 के पास है ऑलमोस्ट। 2016 में भी डीमोनिटाइजेशन के बाद ये 50 EMA तक आ गया था, और फिर यहाँ से बाउंस बैक दिखाया था। डीमोनिटाइजेशन के बाद भी ऐसा लगा था कि स्लो डाउन आ सकता है, यहाँ से निफ्टी और भी गिरावट दिखा सकता है 2,000-3,000 पॉइंट का, लेकिन यहाँ पर फिर से इसने ये जैसे कि 50 EMA के पास आने के बाद एक बाउंस बैक दिखाया, तो उसी तरह से यहाँ से फिर बाउंस बैक दिखा सकता है अगर ये और भी टूवर्ड साउथ की तरफ आ सकता है। तो जब 2008 में 50 EMA भी ब्रेक किया था, 100 EMA का ये सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ था। तो चार्ट में जब ऐसा पैटर्न बनता है, 50 EMA को भी ब्रेक करता है, तब यहाँ से हमें ज़बरदस्त और भी स्लो डाउन यहाँ से और गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये 20 EMA के भी पास है, तो यहाँ पर आप जैसे पास्ट में देख सकते हैं 20 EMA को ये पेनेट्रेट करके फिर से ऊपर आके ये क्लोज होता है एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ये मंथ अभी चल रहा है, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो टेक्निकली चार्ट के ऊपर देखें क्या सिनारियो है, उसके बाद अपना जो व्यू बनता है वो आप निफ्टी इंडेक्स के ऊपर बनाए, और उस लिहाज से आप ट्रेडिंग का प्लान करें। तो अभी फ़िलहाल ये जो पैनिक सिचुएशन है उसके मद्देनज़र सेलिंग काफ़ी हावी हो रही है मार्केट में,
ये इन्वेस्टर्स के लिए जबरदस्त गोल्डन मौका है इन्वेस्ट करने के लिए। SIP इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी जबरदस्त ये मौका है। SIP कंटिन्यू रखे, हर एक लेवल पे आपको अच्छे से एवरेज करके मिलेगा हर एक आपका स्टॉक जो स्क्रिप्ट आपने लेके रखा है। इस पैनिक सिचुएशन में फंसता कौन है? जो तेजी होने के बाद जो ऊपरी लेवल्स पे मार्केट में एंटर करता है वो ही सिर्फ इस लेवल इस सिनारियो में फंसता है। जब न्यूज आती है मार्केट में कि सेंसेक्स तेजी दिखा रहा है, 1000 पॉइंट्स अप है, निफ्टी अप है, तभी जो लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं वही लोग सिर्फ यहाँ पर फंसते हैं। जो बॉटम फिशिंग करते हैं, जब मार्केट सपोर्ट के पास आता है तब जब एंटर होते हैं मार्केट में, वो लोग आगे जाकर अच्छे खासे मुनाफे में रहते हैं। तो अभी इस वक्त अच्छे शेयर को सिलेक्ट करें और उसमें अपना पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट बरकरार रखें, आने वाले समय में और अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये मंथली चार्ट का सिनारियो है। चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में देखें तो अभी इसने 100 EMA को भी ब्रेक कर दिया है। डेली चार्ट में देखें तो ये तीनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर दिया है इसने और ये नीचे की तरफ मूव हो रहा था। वीकली चार्ट में भी अभी इसने 100 EMA को ब्रेक कर दिया है, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इसका सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिया था, यहाँ पर लिया था। ये थर्ड टाइम था, थर्ड टाइम भी अगर इसने यहाँ से ले लेता था तो यहाँ से एक बाउंस बैक होने की उम्मीद थी, लेकिन इसको भी अभी ब्रेक कर दिया है निफ्टी इंडेक्स ने। तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट एज पर वीकली चार्ट 10,600 के पास यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगा, जहाँ पर 2019 के जनवरी फरवरी मंथ में एक कंसोलिडेशन पैटर्न दिखाया था और इसका लोअर बैंड करीब 10,600 के पास था। तो 10,600 नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल होगा और उसके बाद 10,300, जहाँ पर 38.2% का लेवल आ रहा है, ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा अगर यहाँ से पैनिक मूव और बढ़ता है टूवर्ड साउथ की तरफ। तो ये वीकली चार्ट का सिनारियो। डेली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर फ्राइडे को एक हैमर कैंडल स्टिक बनाया था हमने, यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा, कहाँ पर ये निफ्टी पहुँच सकता है, तो 23.6% के लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। ये लेवल, ये इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा था तो ये और ये लेवल काफ़ी क्रूशियल था। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ऊपर आ रहा था तो इसने हाई एग्जैक्ट, ये जो कैंडल है इसका जो हाई है लो था, इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो अगर अभी निफ्टी इंडेक्स यहाँ से ऊपर की तरफ आता है तो फर्स्ट यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस 11,162 के पास होगा, अगर यहाँ से बाउंस बैक दिखाता है तो। पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं आज कैसे है। US मार्केट फ्राइडे को जबरदस्त गिरावट के साथ बंद हुआ था। यूरोपन मार्केट्स भी लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे, वहाँ पर भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। एशियाई बाजार आज भी SGX निफ्टी 275 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और लगभग सभी एशियाई बाजार इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर भी देखे फ्राइडे को ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट दिखाई दी थी। तो यहाँ पर बाउंस बैक होने की उम्मीद काफ़ी कम दिखाई दे रही है। अगर ये फ्राइडे का ये जो लो है 10,827, ये अगर ब्रेक करता है तो नीचे 10,600 के पास सपोर्ट होगा और उसके बाद 10,300 के पास 38.2% का वो लेवल है हमारा। तो यहाँ पर जैसे जैसे फॉल आता है तो आप अपना ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, यहाँ से हाई लो को पकड़ के कहाँ तक बाउंस बैक हो सकता है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था डेली, वीकली और मंथली चार्ट का सिनारियो। 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं। ये जो बुलिश कैंडल स्टिक था इसका हाई और लो ये टूटा नहीं था, लास्ट 2 आवर्स इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा था निफ्टी इंडेक्स। तो ये इसका हाई और लो काफ़ी क्रुशियल बन जाता है। तो इसके हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स यानी 11,034 के ऊपर, तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और फर्स्ट टारगेट होगा 11,074, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,104, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर टुवर्ड्स साउथ की तरफ बढ़ता है, आज भी हो सकता है ज़बरदस्त गैप डाउन ओपनिंग मिले। तो गैप डाउन ओपन होता है तो फ्रेशर्स बिगिनर्स अवॉइड करें ट्रेडिंग करना, डायरेक्ट होली के बाद आए और अच्छे अपॉर्चुनिटीज देखकर मार्केट में एंटर करें। अभी फिलहाल अगर ये लो को ब्रेक करता है आसानी से 10,951, तो ही इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा
10,915 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 10,881 ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर जबरदस्त गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करें, यहाँ से फिर से मार्केट ऐसा बिहेवियर दिखा सकता है या फिर और भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो सकता है, तो वेट एंड वॉच करें। फिलहाल आज के लिए इंट्राडे लेवल्स ये है हमारी। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फॉर्म्स का, जैसे कि ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।